हरे मटर और आलू की सब्जी हम अक्सर बनाया करते हैं, लेकिन ये रेसिपी थोड़ी सी अलग है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। आपका स्वागत है मेरे चैनल ज्योति देसी किचन में। तो आइए आज हम देखते हैं कि हरे मटर का निमोना कैसे बनाया जाता है और इसमें क्या क्या सामग्री चाहिए होती है। ये रेसिपी बहुत ही कम मसालों में तैयार होती है, तो इसलिए खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ मैंने लिया है मटर, आलू, टमाटर, प्याज, थोड़ा सा गरम मसाला, एक हरी मिर्च, एक बरी। मेरे पास लहसुन की पत्ती थी तो मैंने लहसुन की पत्ती इस्तेमाल किया है। अब सारे मसालों को पीस लेंगे, थोड़ा सा पानी डाल के इसको पीस लेंगे। कढ़ाई गरम करेंगे और उसमें 2 बड़ा चम्मच सरसों का तेल डालेंगे, और तेल जब थोड़ा गरम हो जाए तो उसमें बरी डाल के हल्का लाल करेंगे। थोड़ा सा लाल हो जाए, जले ना, हल्का लाल हो जाए। अब उसमें 1/4 चम्मच हींग डालेंगे। हींग से बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाता है, तो हींग डालेंगे 1/4 चम्मच। इसके बाद सारे पीसे मसाले उसमें डाल के और अच्छी तरह से 4-5 मिनट तक उसको भूनेंगे। अब हम लोग इसमें सूखे पीसे मसाले ऐड करेंगे। तो 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, नमक अपने स्वाद के अनुसार ले लें, कम या ज़्यादा कर सकते हैं, 1/4 चम्मच हल्दी और 1/4 चम्मच या 1/2 चम्मच सब्जी मसाला। बस इतने ही मसाले हमको ऐड करना है और अच्छी तरह से उसको 2 मिनट तक भूनेंगे। हल्का तेल निकलने लगे तब तक उसको भूनेंगे और उसके बाद छोटा छोटा पीस टमाटर काट के उसमें डाल देंगे। हमारा टमाटर अभी थोड़ा सा गल जाए तब तक हम लोग आधी मटर को मिक्सी में पीस लेंगे। एकदम महीन नहीं करना है, हल्का सा उसको ग्राइंड कर देंगे। देखिए मैंने पीस लिया है, इसी तरीके से मटर को हमको पीस लेना है। और अब देखिए टमाटर गल गया है, इसमें हम अपना मटर, पिसा हुआ जो मटर है उसको डाल देंगे और 3-4 मिनट तक उसको भी भून लेंगे अच्छी तरह से। हल्का सा इसमें से भी तेल दिखने लगे तब 1/2 चम्मच नींबू का रस इसमें डालेंगे, इससे बहुत ही अच्छा कलर आता है। और आलू डाल के आलू को तो 3-4 मिनट तक इसको भून लेंगे अच्छी तरह से। देखिए हमारा आलू भी अच्छी तरह से भुन गया है, उसमें तेल निकलने लगा है। अब हम इसमें अपना जो बाकी का बचा हुआ मटर है वो भी डाल देंगे और 2-3 कप के लगभग पानी डाल देंगे, जितना आपको ग्रेवी रखना हो। मैंने तो 2 कप पानी इस्तेमाल किया है। और इसको कम से कम 10 मिनट के लिए ढक देंगे। देखिए 10 मिनट बाद हमारा निमोना बनके तैयार है। बहुत ही टेस्टी लगता है ये निमोना मटर का।